टाइटैनिक फिल्म बनाने वाले जेम्स कैमरून ने कहा है कि वो जहाज के डूबने की घटना और हाल ही में इसका मलबा देखने के लिए एक पनडुब्बी पर सवार होकर गए यात्रियों की मौत के बीच समानताओं से हैरान हैं। कैमरून ने कहा कि समुद्र संबंधी इंजीनियरिंग समुदाय के कई सदस्य इस पनडुब्बी को लेकर चिंतित थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, समुदाय के कई शीर्ष सदस्यों ने कंपनी को लेटर भी लिखा था कि वे जो कर रहे हैं वो यात्रियों को ले जाने के लिए काफी प्रयोगात्मक है और इसे प्रमाणित किए जाने की जरूरत है। मैं टाइटैनिक आपदा की समानताओं से हैरान हूँ, जहाँ कैप्टन को उसके जहाज के आगे बर्फ के बारे में बार बार आगाह किया गया था और फिर भी वह अंधेरे में बर्फ की चट्टानों पर पूरी गति के साथ चलता रहा और इसके परिणाम स्वरूप कई लोग मारे गए। अमेरिकी कोस्ट गार्ड के मुताबिक पनडुब्बी के मलबे से घटना के पीछे कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन होने के संकेत मिले हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये हो कैसे सकता है। वैसे तो उसकी असल वजह जांच के बाद ही साफ हो सकती है, लेकिन एक आशंका पनडुब्बी के निर्माण में इस्तेमाल सामग्रियों को लेकर भी लगाई जा रही है। आमतौर पर पानी में गहराई पर चलने वाली पनडुब्बियों में दाब पात्र होता है जो एकल धातु सामग्री से बना होता है। सामान्य तौर पर कम गहराई यानी लगभग 300 मीटर से कम के लिए स्टील और ज्यादा गहराई के लिए टाइटेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। टाइटेनियम या फिर मोटे स्टील वाला दाब पात्र आमतौर पर गोलाकार होता है और ये 3800 मीटर गहराई तक दबाव झेल सकता है। टाइटैनिक का मलबा लगभग इसी गहराई पर पड़ा है। बात टाइटन पनडुब्बी की करें तो रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इसका दाब पात्र टाइटेनियम और मिश्रित कार्बन फाइबर के मेल से बना था। कहा जा रहा है कि ये इंजीनियरिंग के नजरिए से कुछ हद तक असामान्य है, क्योंकि पानी में गहराई तक जाने के संदर्भ में टाइटेनियम और कार्बन फाइबर काफी अलग अलग गुणों वाली सामग्रियां हैं। इस मामले पर छपे एक आर्टिकल में कहा गया है कि जहां टाइटेनियम लचीला होता है और वायुमंडलीय दबाव में वापसी के बाद उसके अनुसार ढल जाता है, वहीं कार्बन फाइबर अपेक्षाकृत कठोर होता है और इसमें ऐसा लचीलापन नहीं होता। ऐसे में इन सामग्रियों में अंतर के चलते गड़बड़ की आशंका भी जताई जा रही है और माना जा रहा है कि पानी के नीचे दबाव के कारण विस्फोट हुआ होगा। दरअसल सटीकता से डिजाइन किए गए दाब पात्र सभी दिशाओं में पड़ने वाले समग्र दबाव को झेल सकते हैं। ऐसी स्थिति में उपयुक्त सामग्री से निर्मित पनडुब्बी गहराई में जरूरत के अनुसार सिकुड़ और फैल सकती है। माना जा रहा है कि टाइटन के साथ ऐसा नहीं हुआ होगा।